प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको जो प्रश्न समझा रहे हैं वह प्रश्न बैंक पीओ की परीक्षा में 2009 में आ चुका है। इसके अतिरिक्त तो ये प्रश्न औसत से संबंधित है। आज का प्रश्न है 5 सतत विषम संख्याओं का औसत 95 है। आरोही रूप में चौथी संख्या कौन सी है? आपको 5 विकल्प दिए हुए हैं। इन 5 विकल्पों में से आपको सही विकल्प छांटना है। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर सतत से क्या तात्पर्य है। सतत का मतलब होता है लगातार, क्रमानुसार, और विषम संख्या से मतलब ये होता है जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। जैसे 5 है, 11 है, 17 है, ये सभी जो हैं इस प्रकार की, 19 है, 31 है, 21 है, ये सभी संख्याएं जो हैं विषम संख्याएं हैं। अब प्रश्न वाला कहता है 5 संख्याएं लीजिए और सतत लीजिए। तो पहली संख्या अगर आपने 5 ले ली तो फिर आप 11 नहीं लेंगे। इसके 5 के बाद नंबर कितना आता है विषम संख्या का? 7। 7 के बाद 9 आता है। तो इस प्रकार से क्रम से ली जाएंगी। यदि पहली आपकी विषम संख्या 17 है तो फिर अगली 19 होगी, उससे अगली 21 होगी, इस प्रकार से होगी। और 5 कोई सी विषम संख्याएं होती तो कोई सी हो जाती हैं। फिर इसका मतलब नहीं है कि पहली है, दूसरी है, कौन सी है। एक 17 हो सकती थी, एक 31 हो सकती थी, एक 105 हो सकती थी, कोई सी संख्या हो सकती थी। लेकिन प्रश्न में कह रहा है 5 लगा सतत 5 विषम संख्याओं, तो 2 शर्तें पूरी करनी है। एक तो संख्या जो लेनी है वो कैसी लेनी है? विषम। दूसरी क्रमानुसार, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आए ऐसी। तो जब विषम संख्याएं क्रमानुसार लेनी होती है तो सबसे पहली संख्या को हम x मान लेते हैं और इसमें हम लगातार 2 जोड़ते चले जाते हैं तो हमें अगली संख्या प्राप्त होती चली जाती है। कुछ लोग किसी और प्रकार से मानते हैं, कुछ लोग किसी और प्रकार से मानते हैं। सभी का अपना अपना विधि है, अपने अपने ढंग है। आप एक विचार कर लीजिए, समझ लीजिए, उसी से आप प्रश्न को हल करें। तो हमने जब पहली संख्या विषम x मान ली तो इससे अगली हमें 4 चाहिए क्योंकि कुल 5 संख्याएं लेनी हैं। तो अगली जो होगी, एक तो इसके अगली होगी x प्लस 2, फिर इससे अगली होगी x प्लस 4, फिर इससे अगली होगी x प्लस 6, फिर उससे अगली होगी x प्लस 8। इस प्रकार से आपको 5 विषम संख्याएं प्राप्त होगी, 1, 2, 3, 4, 5। अब प्रश्न वाला कहता है कि इन 5 संख्याओं का औसत जो है वो 95 है, ठीक है ना। तो अब आप जानते हैं औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो औसत हमारा 95 दिया हुआ है, इसलिए इस औसत के स्थान पर तो लगा देंगे 95। और कुल पद मतलब कुल संख्या कितनी है यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5। तो पदों की संख्या के स्थान पर हर में लगा देंगे हम 5। और कुल पदों का योग मतलब ये कुल संख्या जो 5 है इनका जोड़, इनका जोड़ कितना आएगा? x, x प्लस 2 प्लस लगा के प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। इन 5 संख्याओं को आप जोड़ लीजिए तो इनका जोड़ आ जाएगा आपका 5x प्लस 20। अंश में तो आपको ये प्राप्त हो जाएंगे, हर में आपके 5 ही आ जाएंगे, बराबर के स्थान पर बराबर आ जाएगा और एल एच एस में 95 चल रहा वही आ जाएगा। अब आप इस यहाँ से इस प्रश्न को दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट एच की गुणा कर लीजिए तो उसमें आपको प्रश्न ज़्यादा करना पड़ेगा। हर स्टेप पर ये विचार रखते हैं कि कौन सा ढंग इस्तेमाल करें, प्रयोग लाएं, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन समय बच जाए और प्रश्न सरल तरह से हो जाए। तो हम देखते हैं इन दोनों में अंश में जो है 5 कॉमन आ रहे हैं। तुमने 5 कॉमन ले लिए तो हमें प्राप्त हुआ 95 बराबर 5 गुणा x प्लस 4 और हर में आ गया 5। इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये आपको प्राप्त हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 95। x का मान निकालना है आपके लिए, इस 4 को एल एच एस से आर एच एस में ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो आपको प्राप्त हो गया x बराबर 95 माइनस 4। और 95 प्लस के हैं, 4 माइनस के हैं, इन्हें हल करने के बाद आपको प्राप्त होगा 91। इस प्रकार से आपकी x की वैल्यू आ गई 91, अर्थात पहली विषम संख्या आपको लेनी पड़ेगी 91, उससे अगली लेनी पड़ेगी 93, उससे अगली लेनी पड़ेगी
95 इसी प्रकार से लेनी पड़ेंगी। खैर अब कहता है ये पांचों संख्याएं अगर हम आरोही क्रम में लिखें तब तो इस प्रकार से लिखी जाएंगी। वो कहता है इन्हें अवरोही क्रम में लिखिए, और अवरोही क्रम में लिखने के बाद आप भी बताइए कि चौथी संख्या कौन सी आगे पड़ेगी। तो हम इन्हें ना तो संख्या निकालेंगे और ना अवरोही क्रम में लिखेंगे, इसमें तो हमारा टाइम व्यर्थ में खर्च होगा। क्या करेंगे, ये हमारा आरोही क्रम में लिखा हुआ है और अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ये हमारा अवरोही क्रम में हो जाएगा। तो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। मतलब अगर इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखा जाएगा तो चौथी ये वाली होगी, और आरोही क्रम में लिखा जाएगा तो ये दूसरी होगी, तो चौथी हमारी हो जाएगी 1 2 3 4 चौथी चौथी ये हो जाएगी। तो हमें आरोही क्रम की बात तो कह नहीं रहा है, प्रश्न वाला अवरोही क्रम में कह रहा है चौथी, तो 1 2 3 4 तो चौथी होगी अवरोही क्रम में लिखने पर x प्लस 2। तो हमने x प्लस 2 का मान निकाल लिया, x का मान आया हमारा 91 जो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, और 2 हमारे ये आ गए, तो ये हो गए 91 प्लस 2 बराबर 93। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पांच संख्याएं दी गई थीं जिनका औसत जो था 95 था, जो सतत थी और विषम थी, उनमें अगर अवरोही क्रम में लिखेंगे उन संख्याओं को तो चौथी संख्या जाके मिलेगी हमारे लिए 93। ये उत्तर आ गया हमारा। हम विकल्प में देखते हैं, विकल्प में इस प्रकार का कोई उत्तर दिया ही नहीं है। पहले उत्तर में दे रहा है 91, अगले में दे रहा है 95, एक दे रहा है 97, एक दे रहा है 99, तो इनमें से तो कोई उत्तर है नहीं। तो हम फिर यही लिखेंगे कि इनमें से कोई नहीं, तो हम लिख देंगे ई विकल्प सत्य है, और यहां पर लिख दीजिए आप उत्तर। इस प्रकार से आपका यह प्रश्न पूरा हो जाता है। ये सभी प्रश्न बहुत सरल होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, गुणा भाग के नियम आना चाहिए, और सही तरीके से प्रश्न को करिए, प्रश्न सीखने का अभ्यास कीजिए, उत्तर मिलाने का अभ्यास मत कीजिए कि उत्तर मिल गया सही हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलत ढंग से करते हैं तब भी उत्तर मिल जाता है, तो वो आपका गलत है। कभी कभी ऐसा होता है आपका सही भी है, उत्तर भी सही है, उत्तर वाला में गलत दे दिया, उत्तर धोखे से गलत छप गया, तो आप परेशान होते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपना नियम अनुसार सवाल को कीजिए, आपका उत्तर सही जाएगा, आपको गणित में कोई परेशानी नहीं होगी। आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार आपको फिर कोई नया प्रश्न समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।